गुड इवनिंग। मेरे देश के तमाम जो युवा पीढ़ी है जो कि जब के अपेक्षा में है, सबको सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस प्लेटफॉर्म में मैं मनोज आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि एक गवर्नमेंट जॉब जो परमानेंट रेगुलर जॉब का एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका भुवनेश्वर, जो IIT भुवनेश्वर जिसको कहते हैं, उनकी तरफ से देखिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट जो रिक्रूटमेंट के लिए, इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ IIT जो आपका जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर का नॉन टीचिंग पोस्ट 2022 का जो एक जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 20 मई 2022 का जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो जिसका रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी के बारे में जो इसमें डिस्कस किया गया है, इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो है नॉन टीचिंग स्टाफ का। जैसे आप लोग सभी जानते हैं जितना IIT इंस्टीट्यूट है उसमें आपका टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो रिक्वायरमेंट है, इसमें फिलहाल इस नोटिफिकेशन के अंदर जो 18 टाइप जो है नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी इसके अंदर दिया गया है। डिफरेंट एजुकेशन में जो अलग अलग पोस्ट है आपका 10th से लेकर आपका जो है ग्रेजुएशन तक है, तमाम जो पोस्ट है, उसके बाद BTech MTech तमाम जितना आपका जो क्वालिफिकेशन है, जितना भी हायर क्वालिफिकेशन से आपका 10th से लेकर तमाम क्वालिफिकेशन के लिए आपका 18 टाइप ऑफ जो वैकेंसी इसमें जो नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसके अंदर कवर किया हुआ है। जैसे मैं बताना चाहूँगा जो IIT आपका भुवनेश्वर है ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस है जो कि ये प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है और रिसर्च इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, आपका टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड आर्ट्स का जो रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है। और ये जो IIT भुवनेश्वर की तरफ से एक ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का जो मांग की गई है इंडियन नेशनल, इसमें जो भारत के हर कोने से बच्चे, हर स्टेट के बच्चे, हर जो यूनियन टेरिटरीज के बच्चे, ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इस जो नोटिफिकेशन के अंदर, जिस तरह जो डिटेल्स दिया गया है इस जो नोटिफिकेशन के अंदर, जो डिटेल्ड जो आपका वैकेंसी है तमाम जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं कवर करूँगा। इसमें जो पॉइंट सबसे पहले जो वैकेंसी जो 18 टाइप जो 18 प्रकार का जो वैकेंसी है वो कौन सी वैकेंसी है, उसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए उनका सैलरी स्ट्रक्चर्स किस प्रकार रहेंगे और इसका जो वैकेंसी को कैटेगरी वाइज कैसे बांटा गया है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या क्या मांगा गया है, इसका जो तमाम इवेंट्स का जो डेट्स क्या क्या है, ये तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं हमारे भारत के जो सभी जो अभ्यर्थी है, सभी जो उम्मीदवार है, जो बच्चे जॉब की अपेक्षा में है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे ताकि एक वीडियो में आपका तमाम जो डाउट्स है, तमाम जो शंका है क्लियर हो जाए, उसके बाद आप आराम से इस पद के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। इसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स या जो अभ्यर्थी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा है या पहले से विजिट करते आ रहा है बट सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट कोई भी जॉब से संबंधित या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट का कोई भी जॉब्स हो, उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं रेगुलरली आप इसमें अपलोड करते रहता हूँ, आपको इमीडिएटली जो है मिलते रहेगा। सेकेंड चीज़ मैं कहना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों को, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है पक्का इसको लाइक कीजिए, क्योंकि वही हमारे लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है। तो और दूसरी चीज, ये जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, आपका जो फ्रेंड्स है, आपका जो रिलेटिव सर्कल में जो बच्चे हैं सबके पास शेयर कीजिए ताकि जो आपका जो फ्रेंड्स या रिलेटिव सर्कल में जो बच्चे हैं उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता लगे। यहाँ पे अभी चलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो सबसे पहले पोस्ट की बात करता हूँ, देखिए कौन सा पोस्ट है इसमें, देखिए फर्स्ट जो पोस्ट है इसमें देखिए सबसे हायर क्वालिफिकेशन से लेकर आपका 10th तक, आखिरी में 10th तक जो क्वालिफिकेशन वाले जो जॉब है, इसलिए तमाम जो बच्चे हैं आप इसमें जो है परेशान मत होइएगा, थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। जो खास करके 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपका जो वैकेंसी वगैरह है इसमें लास्ट तरफ दिया हुआ है, लेटेस्ट स्टेज में जो कवर करूंगा, ठीक है। सबसे पहला वैकेंसी ये आपका देख सकते हैं, जैसे बताना चाहूंगा आपका असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है। यहाँ पे देखिए चार वैकेंसी है, चार वैकेंसी में से एक वैकेंसी आपका OBC कैंडिडेट्स, 3 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका पहले
लेवल 10, पे लेवल 10 जो आपका जिसके अंदर 56,100 रुपया आपका जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होता है और आपका जो लास्ट बेसिक सैलरी रहेगा 1,77,500 रुपया आपका सिर्फ स्केल अप पे है, आपका ये बेसिक पे है, ये आपका टोटल पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में हम देख सकते हैं इसमें जूनियर सुपरटेंडेंट है, इसमें देखिए 3 वैकेंसी है। इसके लिए देखिए एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक आपका ओबीसी के लिए, एक आपका एससी के लिए दिया गया है, जिसमें पे लेवल 6 के अंदर इनको अंतर्गत किया गया है। 35,400 से इनका बेसिक जो स्टार्टिंग बेसिक होगा 1,12,400 तक इनका बेसिक जाएगा। उसके बाद आपका पोस्ट नंबर जो 3 है, जो आपका जूनियर जो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन जो सुपरिंटेंडेंट है, उसमें देखिए 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी आपका ओबीसी के लिए, एक वैकेंसी आपका यूआर कैंडिडेट्स के लिए। ये देखिए पे लेवल 6 के अंदर अंतर्गत होता है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका जो सिर्फ बेसिक सैलरी जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका 4 नंबर जो वैकेंसी है आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी यूआर जो कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें देखिए लेवल 6 जो पे मैट्रिक्स का जो देखिए 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन आपका सुपरिंटेंडेंट जो टोटल वैकेंसी आपका 9 है। देखिए 9 वैकेंसी में से एक वैकेंसी आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, एक वैकेंसी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी, एक वैकेंसी आपका एसटी, एक वैकेंसी एससी, 3 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ये जो पोस्ट के लिए आपका जूनियर टेक्नीशियन सुपरिंटेंडेंट है, इसको पे लेवल 6 के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, उसी हिसाब से 35,400 1,12,400 रुपया आपका रहेंगे जो बेसिक सैलरी रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट, जिसमें आपका देखिए सब ज़्यादा वैकेंसी है, आपका 21 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसमें एक जो आपका पीडब्ल्यूड के लिए जो यूआर कैटेगरी से रिजर्व किया गया है, 3 आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 2 आपका ओबीसी का, 5 आपका एसटी, 2 आपका एससी है, 8 आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसमें ये लेवल 4 में इनको कैटेगराइज किया गया है, 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक इनका जो स्केल अप पे, जिसको बेसिक पे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट जो वैकेंसी है जूनियर आपका अकाउंटेंट है, टोटल वैकेंसी आपका 6 है, एक वैकेंसी उसमें आपका एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 5 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। पे लेवल 4 के अंदर इसको अंतर्गत किया गया है, पे लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक आपका जो बेसिक सैलरी रहेंगे। उसी तरह अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका जूनियर जो पैथोलॉजिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर पैथोलॉजिस्ट है, जैसे एक पोस्ट है ये आपका अनरिजर्व के लिए गया है। इसमें आपका जूनियर टेक्नीशियन, इसमें देखिए 20 वैकेंसी है, एक आपका जो पीडब्ल्यूडी के लिए गया है, आपका 3 वैकेंसी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 4 ये 5 आपका 3 है, ये 4 आपका जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर जो लेब असिस्टेंट, टोटल आपका 6 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर दिखाना चाहूंगा 6 वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी आपका एसटी यहां पे देख सकते हैं आपका, ये देखिए आपका ओबीसी के लिए है, ये ओबीसी वैकेंसी है। ठीक है, ये आपका ओबीसी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, एसटी के लिए है, एससी के लिए है, 2 वैकेंसी आपका ओबीसी के लिए है। इसमें सबसे लास्ट जो वैकेंसी जो 10th स्टैंडर्ड वाले जो बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये है आपका मल्टीटास्किंग टॉप। देखिए आपका जो मल्टीटास्किंग टॉप में कितने टाइप का आपका पोस्ट है, आपका एडमिन जो एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, आपका इलेक्ट्रिशियन है, आपका प्लम्बर है, आपका जो पंप ऑपरेटर है, आपका मैकेनिक है, आपका प्लम्बर है, कारपेंटर है, टेलीफोन ऑपरेटर है, तमाम जो है पोस्ट जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर जाता है। जो 10th स्टैंडर्ड का वैकेंसी है, इसमें आप देख सकते हैं जो 10 वैकेंसी इसमें है, 10 वैकेंसी में से एक वैकेंसी आपका देखिए आपका ये जो ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, और एक वैकेंसी आपका ओबीसी के लिए है, एक वैकेंसी आपका एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक वैकेंसी आपका जो एससी के लिए है, 6 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसी तरह आपको अगर कुल वैकेंसी देखेंगे जो टोटल वैकेंसी है आपका 83 वैकेंसी, और ये जो 10 वैकेंसी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी है, यहाँ पे उनका जो पे सैलरी है, ये देखिए आपका जो सिर्फ बेसिक सैलरी आपका 18,000 से लेकर आपका 56,900 तक जाएगा। ठीक है, ये आपका सैलरी है। तो अभी मैं कुछ जो डेट्स के बारे में बात करूंगा, इसके लिए जो आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी भुवनेश्वर ये देखिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का मांग की है, हमारा देश का जो इंडियन नेशनल से तमाम देश के हर कोने, हर जो स्टेट से, हर जो आपका यूनियन टेरिटोरी से बच्चे जो है इसके लिए मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए आवेदन की डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं 24 मई 2022 से आवेदन का स्टार्टिंग डेट है, आवेदन का जो आखिरी डेट है ये देखिए 24 जून 2022
27 तक आपका लास्ट डेट जो है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसमें और एक डेट दिया हुआ है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ आपका हार्ड कॉपी। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा अलग टाइप के में दिया हुआ है, जैसे आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 24 में से, आपका अंतिम डेट है आपका 24 जून 2022 है। बट इसमें एक चीज़ कहा गया है, आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका एक प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट का कॉपी उसके साथ जितना भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लेटर स्टेज में मैं बताऊंगा बाद में कौन सी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया उसका प्रिंट आउट निकालो। उसके बाद तमाम जो डॉक्यूमेंट है आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका तमाम जो सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करके उसको साथ में डाल के आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट में जो एक IIT भुवनेश्वर का एक एड्रेस है जो कि लास्ट स्टेज में बताऊंगा, उस एड्रेस में आपको हार्ड कॉपी भेजना होगा। और ये देखिए आपका हार्ड कॉपी जो पहुंचने का जो तिथि है वहां पे 4/7/2022, 4 जुलाई 2022 तक आपका हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और आपका हार्ड कॉपी पहुंचने के बाद उसके बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग जो है शुरू होगा। यहां पे जो नेक्स्ट चीज कहना चाहूंगा, 1 पोस्ट जो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का है और 2 पोस्ट आपका जो टेक्नीशियन का, ये रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। 1 पोस्ट आपका जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, 2 पोस्ट आपका टेक्नीशियन जो कि आपका प्योरली एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसमें देखिए अभी बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रेगुलर पोस्ट, ये आपका तमाम जो है रेगुलर पोस्ट है, इसमें 2 टाइप का पोस्ट दिया हुआ है। इसमें जो रेगुलर पोस्ट दिया हुआ है और डेपुटेशन वाला पोस्ट दिया हुआ है। डेपुटेशन पोस्ट में मैं बताना चाहता हूँ, डेपुटेशन वाला पोस्ट में आपको सिर्फ 3 साल की जो नौकरी करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो काफी जो बंदे होंगे जो 55 ईयर्स या 50 ईयर्स के बाद जो कैंडिडेट्स है, जैसे 55 ईयर्स के बाद जो कैंडिडेट्स है, जैसे उनका वो मान लो कोई कैंडिडेट्स अगर 3 साल के लिए नौकरी करना चाहता है वो डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई करेगा। बट जो कैंडिडेट्स रेगुलर बेसिस पे नौकरी करना चाहता है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नौकरी करना चाहता है, वो रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले जो इसका कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस है, ये देखिए आपका सबसे जो पहला जो पोस्ट है, देखिए आपका टेक्निकल असिस्टेंट है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है। इनका जैसे पहले बुल की मैं बात कर दिया हूँ, इनका अपर एज लिमिट ये 45 साल तक, इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए MSc होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, देखिए MSc विथ 55% जो मार्क होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से, जैसे आपका फिजिक्स से, केमिस्ट्री से हो सकते हैं, जूलॉजी से हो सकते हैं, या जियो फिजिक्स या बायो साइंस से हो सकते हैं, उसके साथ साथ उनको 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो, किससे 5 साल की एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। अन्यथा अगर ये नहीं है तो जो अगर BTEC की हैं, BE की हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका मेटलॉजिकल इसमें है, या मटेरियल्स है इलेक्ट्रिकल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किए हैं, या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग से किए हैं, ठीक है, इस तरह की कैंडिडेट 2 साल की एक्सपीरियंस अगर है तो भी इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है, तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, आप अगर ग्रेजुएट है, 10+2+3 किए हैं, साइंस साइड से आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन किए हैं साइंस साइड से विथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपका जियोलॉजी जियो फिजिक्स या जियो साइंस से आपका बायोटेक या एनवायरमेंटल या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या मेट्रोलॉजी आपका इंस्ट्रूमेशन विथ 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है, अगर आप ग्रेजुएशन खाली आप साइंस साइड से ग्रेजुएशन किए, इन्हीं सब्जेक्ट में से ग्रेजुएशन किए हैं साइंस साइड से, अगर 4 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, आप भी इस पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और देखिए अगर MCA किए हैं, कोई कैंडिडेट अगर MCA किए हैं, 2 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट्स अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटलॉजी, आपका मटेरियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर किया हुआ है, कोई कैंडिडेट्स इन स्ट्रीम से अगर डिप्लोमा भी किया हुआ है और अगर उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो 8 साल के अगर उनके पास है जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी किसी से भी अगर 8 साल की एक्सपीरियंस है, वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका जूनियर सुपरिंटेंडेंट जो आपका लेवल 6 के अंदर शामिल होता है, उनका पे लेवल की मैंने बात कर चुका हूँ, ये मैक्सिमम जो इनका अपर एज लिमिट है 35 साल तक ये आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर डिग्री रखा गया है, मिनिमम आपका 55% एग्रीगेट होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये भी किसी भी स्ट्रीम से इसमें आप कर सकते हैं। जो आपका जूनियर सुपरिंटेंडेंट है और 55% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 3 ईयर्स जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका इन द फील्ड ऑफ आपका देखिए एडमिनिस्ट्रेशन साइड से एकेडमिक स्टोर परचेज आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशन से आपका एक्सपीरियंस की आवश्यकता मांग की गई है। अगर यह भी नहीं है, किसी कैंडिडेट से अगर बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएट है,
किसी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है तो उनका 5 ईयर्स अगर एक्सपीरियंसेस है, 5 ईयर्स अगर एक्सपीरियंसेस है इन द फील्ड ऑफ आपका, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक स्टोर, परचेज, मटेरियल मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन साइड्स में अगर ग्रेजुएट किए हैं किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर किए हो, आप भी इस पद के लिए जो है आवेदन, इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन जो मैंडेटरी है, नॉलेज ऑफ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होना जरूरी है। इसमें आपका जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड, आपका स्प्रेडशीट, आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका कंप्यूटर ज्ञान होना जो है जरूरी है। यहाँ पे देखिए जो तीसरी जो वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए आपका जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सुपरिंटेंडेंट है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह रहेंगे, आपका ए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, अगर लाइब्रेरी साइंस से आप मास्टर डिग्री किए हैं या इंफॉर्मेशन साइंस से किए हैं या डॉक्यूमेंटेशन साइंस से किए हैं, आपका मास्टर डिग्री किए हैं, ठीक है, तो किए हैं, उसके साथ साथ आपको 2 ईयर्स की आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपका आईआईटी के में काम किए होंगे या एनआईटी या सिमिलर सेंट्रल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन से अगर काम किए हैं, आपको 2 ईयर्स की उसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए, उसके साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या लाइब्रेरी ऑटोमेशन या नेटवर्किंग के ऊपर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपको देखिए तीन चीज़ चाहिए इसके लिए, आपका तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपका लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो लाइब्रेरी या ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग के साइड पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इनका अपर एज लिमिट ये 35 साल तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका फोर्थ नंबर जो वैकेंसी आपका फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, इसका जैसे पहले बुल 6 के अंदर अंतर्गत किया गया है, इसका अपर एज लिमिट 35 साल तक, देखिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसमें देखिए अदर अलाउंसेस, तमाम जो अलाउंसेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो आपको लागू होंगे। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट क्लास चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, और फर्स्ट क्लास आपका पोजीशन होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल, ऑटोनोमस बॉडी, किसी में भी आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपका फिजियोथेरेपिस्ट में होना चाहिए और 1 ईयर अगर एक्सपीरियंस है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। आपको जो फिफ्थ नंबर पोस्ट है, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट है, इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका एमएससी आपका चाहिए, जो मास्टर डिग्री इन साइंस, जैसे आपका 55% एग्रीगेट जिसमें आपका फिजिक्स साइड से होना चाहिए या केमिस्ट्री, आपका जियोलॉजी या जियो फिजिक्स या बायोसाइंसेस विथ 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस इसमें चाहिए। अन्यथा अगर ये नहीं है, आप अगर बीटेक या अगर बीए किए हैं इन सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप अगर कोई कैंडिडेट्स जो बैचलर डिग्री किया है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सॉरी इसमें साइंस साइड से अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं, साइंस साइड से अगर बैचलर डिग्री किए हैं, इसमें देखिए आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री, आपका जियोलॉजी या जियो फिजिक्स या बायोसाइंसेस, आपका बायोटेक, एनवायरमेंटल या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या मेट्रोलॉजिकल या इंस्ट्रूमेशन विथ 4 ईयर्स अगर एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका अपर एज लिमिट जो है 35 साल तक, आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर ये इसके अलावा और जो अगर कोई कैंडिडेट्स एमसीए किए हैं और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर डिप्लोमा किए हैं, आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलॉजिकल, आपका मेटलॉजिकल जो इलेक्ट्रिकल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस आपका जो इंजीनियरिंग अगर आप किए हैं, तो और 4 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इस पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट आपका छठी वैकेंसी जो है आपका जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो आपका जूनियर असिस्टेंट जो पहले बुल 4 के अंदर शामिल होता है, इसका अपर एज लिमिट आपका 32 साल तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका बैचलर डिग्री होना जो अनिवार्य है, बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स से बैचलर ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस इसमें देखिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड ऑफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, एकेडमिक आपका स्टोर एंड परचेज, मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन के ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन,
ये आपको होना जो है ये डिजायरेबल है, इसमें मांगा गया है आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। सेवेंथ जो वैकेंसी आपका जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट जो पेलेबल फोर, जिसमें 25,500 से लेकर 81,600 तक इसका सैलरी, अदर अलाउंसेस पर जो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स जो है, अपरेज लिमिट देखिए यहाँ पे अपरेज लिमिट जो है आपका 32 साल तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, ये बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में होना चाहिए, कॉमर्स जो बीकॉम में आपका बीकॉम पास किया होना चाहिए एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ आपका 2 ईयर्स का अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, आपका इंटरनल ऑडिट्स के ऊपर ऑडिट वर्क और फाइनल अकाउंट्स फाइनेंस के ऊपर बजट के ऊपर आपको होना चाहिए नॉलेज ऑफ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि मैंडेटरी है, जो प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिस एप्लीकेशन लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपका टैली एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। आठवां जो पोस्ट है यहाँ पे जूनियर जो पैथोलॉजिस्ट है, इसमें देखिए अवेलेबल फोर के अंदर 25,500 से 81,600 इनका सैलरी, अदर अलाउंसेज पर इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स रहेगा, आपका ऑपरेज लिमिट 32 साल तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, साइंस साइड से आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बैचलर डिग्री में होना चाहिए फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपका जो स्टूड है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पे आपका फर्स्ट क्लास पोजिशन होना चाहिए, डिप्लोमा में डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका फर्स्ट क्लास पोजिशन होना चाहिए विथ आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में एक्सपीरियंस होने से आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा दूसरी जो कंडीशन इसमें दिया गया है, जैसे कि आप यहां बताना चाहूंगा फर्स्ट क्लास बैचलर, देखिए फर्स्ट क्लास इसमें आपका देखिए फर्स्ट क्लास जो बैचलर ऑफ मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से साइड से मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी साइड से आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें होना अनिवार्य है। उसके बाद जो नौवां वैकेंसी आपका जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जो पहले बुल फोर के अंदर अंतर्गत है, जिसका सैलरी 25,500 से लेकर 81,600 अदर अलाउंसेस एज पर इंस्टीट्यूशन नाम से रहेगा, ऑपरेज लिमिट 32 साल तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, बीटेक इन द फील्ड ऑफ आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइड से होना जो जरूरी है। अन्यथा आपका अगर 3 ईयर्स आपके पास डिप्लोमा है, अगर 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक साइड से या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग से इन द फील्ड ऑफ आपका सिविल इंजीनियरिंग या आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर आपका साइंसेस एंड इंजीनियरिंग्स, आईटी या मेटलॉजी या मटेरियल्स या केमिकल्स विथ 3 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस होने से भी आप इस पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और एक कंडीशन इसमें दिया है, अगर आपने आईटीआई किया है अगर आपके आईटीआई फर्स्ट डिवीजन है और इक्विवेलेंट मार्क फ्रॉम एनी रेपुटेड आपका इंजीनियरिंग या टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अगर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास, आईटीआई फर्स्ट क्लास अगर है और 5 ईयर्स का आपका रिलेवेंट जो एक्सपीरियंसेस है, आपके जो एक्सपीरियंस इसके ऊपर नॉलेज ऑफ आपका जो आपका कंप्यूटर्ड जो एप्लीकेशन ओआरएमएन लाइसेंस होना चाहिए या परमिट इशूड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर्ड अथॉरिटी और रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स है अगर है तो आप भी इस पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। जो 10वां पोस्ट है यहाँ पे बताना चाहूँगा, जूनियर लेबर असिस्टेंट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर लेबर असिस्टेंट जिसका अवेलेबल फोर के अंदर शामिल किया जाता है, अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है। यहाँ पे देखिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन साइंस साइड से, आपका बीएससी होना चाहिए मिनिमम, और बीएससी में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या जियोलॉजी, जियो फिजिक्स या बायो साइंसेस या कंप्यूटर साइंसेस जियोलॉजी, आपका देखिए 2 ईयर्स का इसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका किसी भी सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी से एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसमें जो डिजायरेबल में मांगा गया है, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए लेबोरेटरीज ऑफ एनी रेपुटेड इंजीनियरिंग या टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक आईआईटीज, आपका एनआईटीज में आपका अगर एक्सपीरियंस आपके अगर कार्य पहले से काम किए हैं अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी इसमें मिलते रहेगा। जो 11वां वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी, जो 10th स्टैंडर्ड की जो कैंडिडेट्स है, जो यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है जो प्योरली 10th स्टैंडर्ड की जो बच्चे के लिए, इसमें देखिए जो वैकेंसी आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, क्लर्क, जो कारपेंटर है, टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर है, यहाँ पे देखिए इनका जो सैलरी रहेगा, इनको इन तमाम पोस्ट को जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है इनका अवेलेबल वन के अंदर अंतर्गत है, ये लोग जैसे 18,000 से लेकर 56,900 तक इनका जो स्केलअप पे रहेगा जो बेसिक पे, और अपर लिमिट 27 साल तक आप इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला मल्टी जो आपका एमटीएस पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एमटीएस पर एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है, ये पोस्ट के लिए आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, 3 ईयर्स की आपका एक्सपीरियंस चाहिए आपका रिलेटेड जो फील्ड से,
ठीक है, आपका एक्सपीरियंस चाहिए। सेकंड पोस्ट आपका इलेक्ट्रिशियन हैविंग आपका एचटी लाइसेंस होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिशियन का जो पोस्ट है एमटीएस के अंदर एचटी लाइसेंस हाई टेंशन लाइसेंस होना चाहिए आपके आपके पास, और एसेंशियल में अगर आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपका होना चाहिए। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए, और अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया अपने नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का अगर आप कोर्स किए हैं आपके पास सर्टिफिकेट तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बट एप्लीकेंट है मोस्ट हैव एचटी लाइसेंस हाई टेंशन लाइसेंस होना चाहिए और 3 इयर्स जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ 33 के भी है, इलेक्ट्रिक के भी का जो आपका इलेक्ट्रिकल जो सबस्टेशन है उसका मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आपको जानकारी होना जरूरी है। देखिए सेकंड में आपका इलेक्ट्रिकल हैविंग जो एमबी लाइसेंस जो है इसके अंदर आपका देखिए जो कैंडिडेट से इस पोस्ट के लिए जो आवेदन करेंगे इसमें आईटीआई होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिशियन से ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस एक्सपीरियंस के अंदर आप देखिए एक्सपीरियंस आपको देखिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपका बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल वर्क्स के ऊपर होना चाहिए, आपका जो स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के ऊपर मेंटेनेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रिकल जो पैनल्स है, एयर सर्किट जो ब्रेकर्स है, आपका डीजी सेट जो ऑपरेटर से और मेंटेनेंस इसके ऊपर आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिशियन का जो थर्ड ट्रेड है एचबीएससी एसी प्लांट ऑपरेटर जो है और मैकेनिक है, इसके लिए आईटीआई इन फिटर में होना चाहिए या इलेक्ट्रिशियन में या आपका रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनर के ऊपर आपका आईटीआई होना चाहिए। उसमें देखिए आपका 3 इयर्स के 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो इसमें आपका एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया है जो मेंटेनेंस ऑफ आपका एचबीएससी प्लांट्स, आपका इड्स एसेसरीज के ऊपर आपको काम आना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ यूनिट्स सीलिंग्स जो सस्पेंडेड यूनिट्स हो गया, आपका एफसीज हो गया, ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट्स हो गया, सॉफ्ट वाटर प्लांट्स हो गया, चिल्ड वाटर प्लांट या रिलेटेड इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स एसेसरीज लाइक इलेक्ट्रिकल आपका जो पैनल्स है, आपका सॉफ्ट स्टार्टर्स है, आपका VFD इसके ऊपर आपका काम की ज्ञान होना चाहिए। थर्ड देखिए यहाँ पे जो प्लम्बर की जो वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका जो मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ उनका आईटीआई जो प्लम्बिंग के ऊपर आईटीआई सर्टिफिकेट उनके पास होना अनिवार्य है। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी कंसर्न ट्रेड के ऊपर, 3 इयर्स का जो है उनका होना चाहिए। इनको मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ आपका पीएच फिटिंग्स वाटर पाइपलाइंस डिफरेंट आपका वेराइटी ऑफ जैसे जीआई पाइप डीआई पाइप एचडीपी आपका सीबी आपका सीपीवीसी आपका यूपीवीसी पीपीआर आपका एचडब्ल्यूआर एटसेट्रा के ऊपर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ पंप्स, ये तमाम के बारे में उनको जानकारी होना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट जो डी में है आपका देखिए कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें मेट्रिकुलेशन जैसे कि ये देखिए मेट्रिकुलेशन है और कारपेंटरी में आईटी होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो आपका 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपका कारपेंटरी वर्क के ऊपर आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लास्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं जो टेलीफोन ऑपरेटर है इसके लिए देखिए आईटीआई, इसके लिए आपका आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन इन द ट्रेड आपका टेलीफोन ऑपरेटर का, इसमें आपका 6 महीना का कम्युनिकेशन जो आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट अगर है और मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस अगर है इस काम के रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फिग यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फिगरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आपका आईपी जो पीबीएक्स एक्सचेंज का बारे में आपको जानकारी होना चाहिए उसका मेंटेनेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश है यहाँ पे जो कैंडिडेट्स के लिए, कैंडिडेट्स को आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसका जितना भी डॉक्यूमेंट है देखिए अपलोडिंग करना होगा, आपका स्कैन कॉपी ऑफ जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशंस हो गया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तमाम जो चीज़ें आपको लागू है वो तमाम चीज़ों को स्कैन करके प्रॉपर स्कैनर में आपको जो ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे फॉर्म के साथ साथ तमाम डॉक्यूमेंट को आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा, ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट में करना पड़ेगा। यह देखिए आपका जो जैसे स्टार्टिंग डेट है मैं बता चुका हूँ 24 मई 2022 है, आपका क्लोजिंग डेट जो है 26 जून 2022 तक आप जो लास्ट आवेदन कर सकते हैं, बट आपका जो हार्ड कॉपी जैसे शुरू में बताया था वो पहुँचने का आखिरी तरीके आपका 4/7/2022 है।
यहाँ पे देखिए जो प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली सेंड, वो जैसे आप जो एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकलना है, उसमें आपका खुद का सिग्नेचर रहेगा। ड्यूली साइंड ईच पेज, जो एप्लीकेशन फॉर्म है हर एक पेज में आपका इंडिविजुअल का साइन रहेगा, उसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट आपका है, जो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका जितने भी टेस्टिमोनियल है, वो तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर आप सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब आपका खुद का सिग्नेचर किया हुआ, उसको भेजना पड़ेगा। जो एड्रेस मैं बताऊँगा आखिर में, जो एड्रेस है आई आई टी जो भुवनेश्वर का जो एड्रेस है, और इसको स्पीड पोस्ट के जरिए या कुरियर के जरिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, स्पीड पोस्ट या कुरियर के जरिए आपको भेजना है, 7/4/2022 से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, जो हार्ड कॉपी तमाम हार्ड कॉपी पहुँचना चाहिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन की फीस की बात करें, एप्लीकेशन जो फीस है 500 रुपया रखा गया है, एप्लीकेशन फीस जो है आपका 500 रुपया रखा गया है। इसमें एप्लीकेशन में देखिए छूट किस कैंडिडेट्स को दिया गया है, इसमें आपका फीमेल कैंडिडेट्स जो गया फीमेल जो आपका एप्लीकेंट है, और इंटरनल कैंडिडेट्स जो पहले से आईआईटी जो भुवनेश्वर में कार्यरत है, उनके लिए, वो अगर इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। आपका एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है, या जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स है, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है सबको, जो बाकी जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स है उनको पता है ठीक है वो कौन है, ठीक है, वो तमाम जो कैटेगरी को जो एग्जम्पशन किया गया, उनको कोई फीस जमा नहीं करना पड़ेगा। देखिए एप्लीकेशन फी वंस पेड जो है ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं होगा, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन जो फीस को आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप भेजेंगे जो एनवलप आप के अंदर डाल के तमाम डॉक्यूमेंट को आप भेजेंगे, तब देखिए आप इसमें जो एनवलप के ऊपर आपका ये प्रिंटेड किया होना चाहिए, फॉर द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसे बोल्ड लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आपका एनवलप के ऊपर होना चाहिए, पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे लिखा जाएगा, ऐसे पूरा बोल्ड हैंड राइटिंग में वो प्रिंटेड होगा, हाथ में लिखा हुआ नहीं, प्रिंटेड किया होगा होना चाहिए, टाइप किया होना चाहिए। और आप क्या रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डेपुटेशन, अगर रेगुलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेगुलर लिखेंगे, अगर डेपुटेशन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेपुटेशन पोस्ट उसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आपका जो आवेदन करते समय आपका जो ईमेल आईडी जो एक्टिव ईमेल आईडी है आपके पास, वही ईमेल आईडी देना है, क्योंकि जो तमाम जो आपका दिशा निर्देश जो पास किए जाएंगे, एक बार आप जब सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन, जो तमाम जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा आपको ईमेल आईडी के जरिए आपको मैसेज दिए जाएंगे, अदर किसी मोड पर आपको मैसेज नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई इन सेपरेट एप्लीकेशन, जो कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स जो है सेपरेटली फॉर्म भरेंगे, सेपरेटली एनवेलप में भेजेंगे, सेपरेटली एप्लीकेशन फी उनको जमा करना होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपका हाँ यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन जो सेल बी गिवेन जो एस सी एस टी ओ बी सी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, एज पर द जो आपका जीवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है, जैसे मोटे तौर पे बता देता हूँ, आपका एस सी एस टी कैंडिडेट्स जो है उसके लिए 5 साल की छूट मिलेगा, ओ बी एस सी वालों को 3 है, जो पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स है उनको 10 साल, पी डब्ल्यू डी अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से है उनको 10 साल की छूट मिलेगा, अगर वो एस सी एस टी से है तो 15 साल की, अगर ओ बी सी से पी डब्ल्यू डी है तो उनको 13 साल की छूट मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स अगर इस पद के लिए आवेदन करते हैं, आपका जॉब से सेवानिवृत्त होने के बाद 3 साल के और टाइम दिए जाएंगे, जो आपका 3 साल के अंदर अंदर आपको जो है भर्ती होना होगा, तभी जाके आपको मिल पाएंगे, जो एक्स सर्विसमैन का जो स्कीम के तहत आपको रिजर्वेशन जो है, जो आपका एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन मिल पाएंगे। आपका जो क्रूशियल डेट है आपका एज यहाँ पे देखिए जो क्रूशियल डेट रहेगा डिटरमाइनिंग ऑफ एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे आपका क्लोजिंग डेट है 26 जून 2022 आपका क्लोजिंग डेट है, इसी डेट तक जो है आपका जो एज लिमिट जो है काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट जैसे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चीज़ है जो पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स है वो मिनिमम 40% जो परमानेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए, अगर उनको रिजर्वेशन पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन चाहिए तो उनका जो मोर देन 40% जो परमानेंट डिसेबिलिटी जिसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है, अगर उनके पास वो जो वो प्राप्त कर चुके हैं तो जाके उनको पी डब्ल्यू डी कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं, या उनको पी डब्ल्यू डी का जो भी रिलैक्सेशन है उनको मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम बिफोर अपीयरिंग द
टेस्ट और इंटरव्यू पर वेरिफिकेशन। देखिए कैंडिडेट्स की इसमें जो दिशा निर्देश है, कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बिफोर अपियरिंग द टेस्ट या इंटरव्यू फॉर द वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है बिफोर टेस्ट से पहले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जो है आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश है, यहाँ पे जो आप इसमें सेल्फ स्टडी में इसको मैं स्लोली इसको आपका ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पहुँच करके इसको पढ़ सकते हैं जो कि मैं मोटे तौर पे कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जो एडिशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर डेपुटेशन बेसिस, जो कैंडिडेट्स मतलब 55 साल ऐसे के आसपास जो मतलब हो गए हैं, अगर 2-3 साल नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो, बट वो डेपुटेशन पीरियड के लिए मेंशन करेंगे। और यहाँ पे क्लियरली जैसे मैं पहले से बता चुका हूँ, डेपुटेशन पीरियड आपका 3 साल के लिए रहेगा, डेपुटेशन पीरियड 3 साल के बाद आपका खत्म हो जाएंगे। इसमें देखिए ऑपरेज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट बाय द डेपुटेशन शैल नॉट एक्सीड बी 56 ईयर्स, जो डेपुटेशन के लिए अप्लाई करेंगे जो कैंडिडेट्स, उनका ऑपरेज लिमिट 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है उसके उससे जो उसी डेट से मतलब उस डेट तक आपका 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो डेपुटेशन बेसिस के जो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए जो जो आपका चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन को आप सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन को जब भेजेंगे, जो एप्लीकेशन आपको जब ऑनलाइन सबमिट करेंगे या जब भेजेंगे, तो कौन सी डॉक्यूमेंट को आपको देखिए आपको कौन सी प्रिंटआउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइंड पे ईच पेज, जो आप सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालेंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड होगा, हर पेज में आपका सिग्नेचर होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, जितने भी आपका मार्कशीट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका तमाम जितना सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनी अदर रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स आपका मेंशनड इन एप्लीकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट में मांगा गया है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तमाम जो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपका SC ST OBC PWD सर्टिफिकेट, एक्सेल मिसमैन है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, PPO डिटेल्स, ये तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, या OBC के जो कैटेगरी के जो अगर बच्चे हैं तो नॉन क्रीमी लेयर की जो सर्टिफिकेट भी आपको जो मतलब उसको अटैच करना होगा, जब आप ये हार्ड कॉपी भेजेंगे उसके साथ तमाम जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसमें जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो भी जाएंगे, और इसमें आपका एक चीज बताया गया है, एनी डिफिकल्टी रिलेटिंग टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी सेंड टू द, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट जारी किया गया है, इस वेबसाइट में अगर किसी प्रकार का आपका डिफिकल्टी जाता है ड्यूरिंग आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप इस वेबसाइट में भी आपका जो है संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस पर सेंडिंग ऑफ जो प्रिंटआउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें क्लियरली जैसे पहले से मैं बताते आया हूँ, जो आपको सबमिशन करने के बाद जो हार्ड कॉपी आपको भेजना है, जो 4 जुलाई 2022 तक जो जिसको पहुंचना है, जो हार्ड कॉपी आपको भेजना है, वो उसका एड्रेस यहाँ पे देखिए, ये जो एड्रेस आपका असिस्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में है, जिसको जो सहूलियत होता है वो उसी हिसाब से आप लिख लेना। जैसे असिस्टेंट आपका रजिस्टर रिक्रूटमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, अनुगुल आपका जटनी का है खोर्धा, जैसे 752050 आपका ओडिशा, ठीक है। ये है नोटिफिकेशन का जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने कवर किया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मेरा देश के जो तमाम युवा पीढ़ी है, शायद जो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से इस नोटिफिकेशन को जो है आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत इसमें होता है या किसी भी रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जो है बता सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ है जैसे इसमें मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए जो कुछ फॉर्मेट्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, तमाम फॉर्मेट्स को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्मेट सबसे पहला जो इसी फॉर्मेट में आपको देना होगा, आपका अगर जो एनओसी का जो फॉर्मेट देना होगा, जो एनओसी जो पहले से अगर जो कैंडिडेट्स किसी गवर्नमेंट या जो आपका ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर यूनिट में कार्यरत है बट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये एनओसी फॉर्मेट जो है लागू है। वो एनओसी फॉर्मेट में देखिए एनओसी आपका विजिलेंस क्लियरेंस इसी फॉर्मेट आपको देना होगा। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेट जो ST सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आपका IC सर्टिफिकेट के तहत आपको जो है देना होगा। ये आपका
नेक्स्ट देखिए आपका जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सर्टिफिकेट है यही है उसका फॉर्मेट, जो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ आप लोग देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो सर्टिफिकेट है आपको प्राप्त करके देना होगा। ठीक है, यहाँ पे EWS का जो सर्टिफिकेट है, EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस का जो सर्टिफिकेट कुछ इस तरह है, उसका फॉर्मेट है आपका इनकम एंड एसेट जो सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है, आपका ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे आपको जो है जमा करना होगा EWS सर्टिफिकेट जो है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट आपका जो सर्टिफिकेट, ये यहीं तक उसका तमाम जो फॉर्मेट या तमाम जो डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों तक पहुँचा दिया। उम्मीद करता हूँ मेरे देश के तमाम जो युवा पीढ़ी है, बहुत जो लड़के लड़कियाँ जो कि जॉब ओरिएंटेड जितने भी बच्चे हैं, इस नोटिफिकेशन को अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करना चाहता हूँ, फिर मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।